नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता रेहाना रियाज ने कहा, प्रदेश की जनता एहसान फरामोश नहीं, फिर बनेगी गहलोत की सरकार। चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, देहात मंडल की बैठक में हुई चर्चा। 3 दिन की बरसात के बाद मिली राहत, सड़कों पर अभी पसरा है पानी। भाजपा पुलिस के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन शुरू, आमरण अनशन की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राजनीति में विचारधारा की क्या प्रासंगिकता है, किसी भी राजनेता के लिए यह सवाल असहज हो सकता है, खासकर उन भाजपाइयों के लिए जो 3-4 दशकों से कांग्रेस में रहे। जी हाँ, स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में जब हमने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राधेश्याम गंगानगर से यह सवाल किया, तो उन्होंने साफगोई से यह कहकर जवाब दिया कि क्षेत्र में डॉक्टर राम प्रताप व गुरजन सिंह सहित दर्जनों ऐसे भाजपाई हैं जो मेरे साथ कांग्रेस में थे। रूबरू का प्रसारण रविवार रात 9 बजे होगा, इसका पुनः प्रसारण सोमवार दोपहर 1 बजे और गुरुवार सुबह 9 बजे होगा। क्योंकि आपका 45-50 साल का राजनीतिक अनुभव है, बहुत यानी एक आधी सदी की बात कर रहे हैं, आधी सदी का अनुभव है आपके पास। राजनीति में विचारधारा शब्द अपने आप में अप्रासंगिक हो गया है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहती है, चाहे वो भाजपा हो यानी आज वाली पार्टी हो आपकी जिसमें आज है, या आपकी पुरानी पार्टी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समय के अनुसार ये विचारधारा बदल क्यों जाती है। ऐसा निवेदन है, राम प्रताप जी डॉक्टर जो हनुमानगढ़ के इस वक्त MLA के कैंडिडेट हैं, पहले भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, ये जब मैं जिला अध्यक्ष होता था तो ये मेरे सेक्रेटरी थे, आप पूछ लीजिए कभी कांग्रेस में। हाँ जी, कांग्रेस में गुरजन सिंह जी थे, ओपी महिंद्रा था, सीताराम मोरिया था, हमारे जिले में मैं अनेकों बता सकता हूँ। ये कांग्रेस के अंदर एक कमी आ गई, सोच छोटी हो गई। कांग्रेस ने अपने व्यक्तियों की इज्जत सम्मान जिस तरह का कोई है उसके वो हट गए, स्वार्थ व्यक्तिवाद की पूजा होने लगी। जो अशोक जी को अच्छा लगे वो अच्छा, जो अशोक जी को अच्छा नहीं लगे वो नहीं अच्छा। तो ये चीजों को देख देख कर, अलवर का जसवंत यादव है, मैं आपको कम से कम ऐसे आदमी आज BJP में कम से कम 20 MLA ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के आए। भाजपा भले गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में सफल रही हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं को फिर से सरकार बनने का पूरा भरोसा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रेहाना रियाज ने कहा कि गहलोत ने जिस तरह आमजन के लिए काम किया है, ऐसे में प्रदेश में फिर से गहलोत की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान की जनता एहसान फरामोश नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और हनुमानगढ़ कांग्रेस की प्रभारी रेहाना रियाज बेहद बेबाक बोलती हैं। लाग लपेट कर बोलना जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं। पार्टी की बैठकों में उनकी बेबाक राय को पसंद करने वालों की कमी नहीं। DCC की हुई आज बैठक में उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ की और फिर से सरकार बनाने का दावा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो नरम दिल होने का बहुत अच्छा सबूत दिया। कहीं वो बुजुर्गों के लिए बेटा बनकर काम किया तो महिलाओं के लिए भाई के तौर पर काम किया, नौजवानों के लिए एक बाप की सोच उन्होंने रखा है। तो कांग्रेस ने इतना बढ़िया काम किया है तो उम्मीद है कि हम लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता जो राजस्थान गए हैं, कोई एहसान फरामोश तो हमें ही नहीं। अच्छा काम किया है तो उसका सराहना भी हम अच्छा करेंगे, वोट भी देंगे ताकि और सरकार वापस बन जाए और बेहतरीन काम और हो आगे। कोई काम करने से रह गया हो, किसी को कोई शिकायत हो वो भी दूर कर दें, अच्छा काम होएगा। इसलिए कांग्रेस ने जो काम किया है उस मुताबिक कांग्रेस की आगामी जो विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन होएगा, ऐसी उम्मीद है। कांग्रेस नेत्री रेहाना रियाज ने कहा कि सरकार तो बनेगी, इसके लिए कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव का त्याग करना होगा, सबको संतुष्ट करना मुनासिब नहीं होता। गहलोत सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, फिर भी किसी की उम्मीदें अधूरी हैं तो कोई बात नहीं, अगले कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। सरकार बनाने के लिए जरूरी है और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी है हमारी सरकार बने। हमारी सरकार बनने के लिए जरूरी है हम वोट को बटोर करते बूथ पे लेते हैं। फिर मैं बार बार करती हूँ, मैं PCC में भी बोलती हूँ,
कई दफा ज्यादा बोल जाती हूँ, वर्करों के हक में, संगठन के हक में, क्योंकि मैंने संगठन में काम किया है 28 साल की मेरी एक्सपीरियंस है संगठन के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है वर्करों के हक में बोलना चाहिए, संगठन के हक में बोलना चाहिए, क्योंकि संगठन से पार्टी मजबूत होती है और आप लोग वोट दिलाते हैं तभी सरकार बनती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, हो सकता है 5 साल में सबकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हो, सबकी और भी कुछ उम्मीदें रही होगी वो भी पूरी नहीं हुई हो, और ये बात भूल जाना चाहिए। अब जो कुछ नहीं हो सके, जो वक्त निकल गया है, क्योंकि कहावत है कि मुंह से निकला शब्द हाथ से निकला, वक्त कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है, तो बाकी आदमी अपनी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लेते हैं। हो सकता है कोई गलतियाँ ऐसी हुई हो नेताओं से, हम संगठन के लोगों से भी हुई होगी, उन सबको बोल करके अब सरकार कैसे वापस आ जाए जो प्रत्याशी पार्टी तय करती है। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बैठक की शुरुआत में कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग होनी चाहिए ताकि अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर किसी को खास बात करनी हो तो वे ऑब्जर्वर से अकेले में बात कर सकते हैं। सकारात्मक बात करें, किसी को कोई और सुझाव देना हो तो रियाना जी को वहां बैठ जाएगी ऑफिस में, अलग से मिलके चाहे लिखित में चाहे व्यक्तिगत रूप से दे, ताकि हमारी भावनाएं प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक आत्मान तक पहुंच जाए। मीटिंग हमारी स्वार्थपूर्ण वातावरण में सकारात्मक सुझाव भी दें, किसी के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते, हम सकारात्मक सुझाव भी दें ताकि जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ का, जब से जिला कांग्रेस कमेटी चाहे विनोद जी जिला अध्यक्ष रहे हों चाहे केसी जी रहे हों, जो एक मैसेज है कि हनुमानगढ़ जिले में कांग्रेस दल एकजुट है, आज वो भी संदेश इस मीटिंग के माध्यम से हाईकमान तक जाए। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है, जिसको भी कोई बात कहनी हो रियाना जी वहाँ बैठ जाएगी ऑफिस में अपनी बात चाहे लिखित में या और। दादरी ने चुनाव घोषणा पत्र के लिए स्थानीय ज्वलंत मसलों पर सुझाव मांगते हुए कहा कि इससे हर वर्ग के लोग गंभीरता पूर्वक सुझाव दें ताकि अगली सरकार के लिए घोषणा पत्र तैयार हो सके। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनी है, बीडी गिल्ला जी की अभी 14 को बीकानेर के अंदर बीडी कल्ला जी ने एक बैठक ली थी बीकानेर संभाग के जिला अध्यक्षों की, और बीकानेर संभाग से जो चुनाव घोषणा पत्र के अंदर सदस्य हैं डॉक्टर वरुण नवदीप जी, वो उस बैठक में थी। तो बीडी कल्ला जी ने फिर संभाग से जो सदस्य थी वरुण नवदीप जी को ये निर्देश दिए कि आप जिले के अंदर ब्लॉक अध्यक्षों की भी एक बैठक करें। तो हमारे यहाँ मानगढ़ जिले के ब्लॉक अध्यक्षों की 15 अगस्त को बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव घोषणा पत्र की सदस्य वरुण नवदीप जी जो पीसीसी के जो निर्देश लेके आए थे वो हमें बताए, और उस दिन उन्होंने सभी प्रो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से ये आग्रह किया था कि पार्टी इस दफा ये चाहती है कि चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हर वर्ग से, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, उनके सुझाव लेने ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां जिला कांग्रेस कमेटी को भिजवाए, और जिला कांग्रेस कमेटी को सारे सुझाव उन वर्गों से तो लेने ही लेने हैं। सोम जी जैसे आज हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप हनुमानगढ़ के जो व्यापारी है वो कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखते हैं। डीसीसी की बैठक में पंचायती राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, विधायक आद्रा मेघवाल, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, पीसीसी सचिव संदीप ढुकिया आदि ने भी शिरकत की। बैठक में पांचों विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए दावेदारी जताई। इनमें हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चौधरी विनोद कुमार, डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी के पूर्व सदस्य राजेंद्र गोदारा सिलवाला, जिला परिषद सदस्य इमामदीन भाटी, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरदीप चहल, सेवानिवृत्त जज महावीर स्वामी, पार्षद रघुवीर तरर, रूपचंद गर्ग, दिनेश बेनीवाल, रामविलास चोयल और सुलोचना छिम्पा शामिल हैं। यानी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के 11 दावेदार सामने आए हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर परम नवदीप, पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई, आलोक चौधरी, अनंत राम जांदू, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक चौधरी, चंद्रपाल भोबिया, गुरलाभ सिंह, जगदीश वर्मा, जगदीश बेनीवाल, जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बराड़, नवनीत पुनिया, राजेंद्र गोदारा सिलवाला, सुधीर गोदारा, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष साधना व्यास, साहबराम बिश्नोई, सज्जन बाम्बू और सुमन कंदोई शामिल हैं।
विधानसभा चुनाव का बिगुल जैसे बज चुका है, भाजपा इस बार किसी भी सूरत में सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। देहात मंडल की बैठक में नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे बूथ स्तर पर मजबूती से काम करें। भाजपा देहात मंडल की बैठक व्यापार संघ धर्मशाला में हुई। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिमोहन महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, भीम सिंह राघव, भागीरथ सुथार, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन अरुण खिलेरी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रकाश तंवर आदि ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि यूपीए सरकार की नीतियां देश के हित में नहीं है, हमें देश और राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। पूर्व जिलाध्यक्ष हरिमोहन महर्षि ने बूथ लेवल पर मजबूती की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि इसी मसले पर काम करने के फलस्वरूप हम निष्पक्ष चुनाव अपना सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की उस बूथ पर जरूरत पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ के ऊपर जो कमेटियां हमने बूथ कमेटियां बनाई हैं वो ही जो है वहां उस बूथ पर जो है काम करेगी और वोटिस्टों का छानबीन करेगी और बूथ पर जो है वो पर्चियां भी वहां जो है कोई वितरण करेंगे। बूथ कमेटी का एक फायदा है कि बूथ कमेटी जो है उस वोटिस्ट का जब अध्ययन करेगी तो उसमें पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति यहां रहता है नहीं रहता है, जिंदा है या मर गया। तो जिससे जो है जो गलत पोलिंग होती है वो रोकी जा सकती है और पर्ची जो है समय पर बूथों पर बढ़ जाएगी जिससे हर व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि मेरा वोट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बहुत बार अपने देखते हैं कि लोग वोट ढूंढते फिरते हैं और लास्ट में पता लगता है कि मेरा तो वोट ही नहीं इसके अंदर। पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार की योजनाओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकार सिर्फ बातें करती है, वादों पर खड़ा उतरना जैसे सरकार को आता ही नहीं। हनुमानगढ़ क्षेत्र के रिको में हमारे हाउसिंग बोर्ड में ग्रामीण क्षेत्रों को जिस प्रकार सहकारी समिति ने 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी बिना ऋण की, किसी को 50,000 किसी को 70,000, मेरे हिसाब से किसी को 1.5 लाख का लोन नहीं दिया गया बिना कर्ज के, किसी को दिया है। इस प्रकार की जो नीतियों की सिर्फ घोषणा की गई, मेरा भाइयों आपसे ये निवेदन है कि अगर हमारे इलाके को हमारे राजस्थान को विकास के शिखर पर ले जाना है और हमारे देश को सबसे बड़ी शक्ति बनाना है तो आप सबको कुछ समय निकालकर इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। उसके लिए आप अपने कीमती समय निकालें और जन जन में इस प्रकार की अभियान चलाएं कि इस देश को और प्रदेश को बचाना है तो कांग्रेस से। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह राघव ने कहा कि पिछली बार हम जिन बूथों पर पिछड़े थे वहां पर स्थिति सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को महंगाई और भ्रष्टाचार के मसले पर जनता के सामने कांग्रेस को घेरने की बात कही। उस लिस्ट को देख के इस बूथ में ये कमजोरी है तो अपने सब साथ लग के उस बूथ पर पार्टी को बढ़त मिले ये कार्य करेंगे। तो ये जो भरम आपको दे वो ईमानदारी से भरने हैं, चाहे मेरा बूथ के अंदर पार्टी ने वोट 100 मिले है तो 100 ही लिखना है और आगे की भी माओ लिखा भी कितने मिल सकते हैं उसमें भी ईमानदारी से लिखना है, चाहे 200 मिल सके तो 200 ही लिखना है। हजार के भाई लोग भ्रष्टाचार महंगाई सुरक्षा ये मुद्दे बताए, ये भी अपने को जनता को बताने हैं क्योंकि कांग्रेस है जो गुमराह कर रही है गैस सब्सिडी के कारण। इन बातों को ढंग से कहेंगे तभी अपने साथ लोग लगेंगे। साथियों अपना देश जब आजाद हुआ तो अपने जो जितने भी पूर्वज थे या जो शहीद थे उन्होंने ये सोचा था कि देश के अंदर भ्रष्टाचार ये महंगाई ये कुछ नहीं होगा और आम आदमी का आम नागरिक का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। तो तन मन धन से पूरे जोर शोर से 3 महीने अपना सारा समय देना पड़ेगा।
भादरा तहसील के गांव बोझला के पास एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई। बीती रात करीब 8:30 बजे वारदात को अंजाम देने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंप दिया और नाकाबंदी कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। नोहर तहसील निवासी जीवराज सिंह ईंट भट्टों से ट्रैक्टर पर ईंटें ढोने का काम करता था। वह विभिन्न भट्टों से ईंटों को ढोता और किराए से परिवार का पालन पोषण करता। बीती रात वह भादरा के बोझला स्थित एक भट्टे से ईंटें लेकर रवाना हुआ तो डुंगराना के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने लूट की मंशा से उसे नीचे उतारा और हाथ पैर बांध दिए और उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। सिर पर प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इससे कुछ ही देर में जीवराज सिंह ने दम तोड़ दिया। हत्यारों ने लाश को पास के खेत में पटक दिया और ट्रैक्टर लेकर फरार होने लगे। इतने में ग्रामीण वहां पर आए और उन्होंने पीछा किया तो आरोपी ट्रैक्टर को खेत में छोड़कर भाग गए। इस दौरान उनके कपड़े और चप्पलें भी वहीं छूट गई। बताया जा रहा है कि कपड़े जीन के किसी टेलर के पास सिले हुए हैं। भादरा थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई के मुताबिक नाकाबंदी करवाई गई है और टीमें कई जगहों पर भेजी गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं ट्राली भट्टों पर या ईंट ले जाओ तो 3-4-5-6 साल से थरे मिक्सर डाणी रहते हो शेर शेर में सांझे में ट्रैक्टर हो तो बिंगे माँ थरे ईंट कदी किसी भट्टे पर कदी किसी भट्टे पर कल सरपंच साहब के झांझनी आला गए अस तू ले गए आयो रात की 3:30-4 के बीच में सूचना मिली कि ट्राली खड़ी है ट्रैक्टर और ड्राइवर जीवराज दोनों को नहीं मैं बैठूँ चल गया या साया शू सरपंच ने लियो सरपंच ने मन ले गए सागे आया जब ट्राली खड़ी न मन ट्रैक्टर मिलियो न मन को लाश मिली बैठे कणके बाके हो के थाना ले गया। जीवराज सिंह नाम का एक लड़का ट्रैक्टर ट्राली में ईंटे लेके भादरा से अपने आगे सवा की तरफ जा रहा था तो डूंगराना और बोझला गांव के बीच में कोई 3-4 अज्ञात लोगों ने तो ट्रैक्टर रुकवा के उसका हाथ बांध के मुंह बांध के उसका मर्डर करके लाश खेत में पटक दी और उस ट्रैक्टर लेके भाग गए। आगे गांव के लोगों में जाग होने पर पीछा किया तो वो ट्रैक्टर छोड़ के वहाँ से भाग लिए। हमारी टीमें तलाश के लिए हरियाणा या आसपास के इलाके में गई हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमों की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं शीघ्र ही गिरफ्तार करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पोल टेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर,
फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज. द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस टू ईयर्स. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं. महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है. हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे. यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे. मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़. हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं. और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे. जय हिंद, वंदे मातरम. संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन. मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम. आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी. वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए. यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें. हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन. भादरा पुलिस पर अपराधियों से मिली भगत करने का आरोप लगाते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है. बसपा नेता सुखदेव सिंह शेखावत ने शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार से आमरण अनशन की चेतावनी दी है. भादरा में कुछ महीने से बढ़ते अपराधों को देखते हुए बसपा सियासत के मायने ढूंढने लगी है. चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर बसपा वोटों की फसल काटना चाहती है, लिहाजा भादरा में बसपा के घोषित प्रत्याशी सुखदेव सिंह शेखावत ने समर्थकों के साथ SDM कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया. अनशनकारी राम सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में आंदोलन करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है. ये हमें इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ प्रशासन से बार बार हम गुहार लगा चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन पुलिस विभाग को और प्रशासन को दोनों को जगाने में विफल हैं. आज जो अधिकारी जो लगे हुए हैं, चाहे यहाँ हमारे छानी में अपहरण कांड हुआ था एक बच्चे का, उसमें FIR करवाई, उसमें धाराएं सब चेंज कर दी स्थानीय नेताओं के दबाव में. महराणा से दलित महिला का अपहरण कर उठा कर ले गए, उसमें आज तक पता नहीं है. चौबारा गांव में जयराम जी मेघवाल की हत्या हुई है, उसमें सही मुलजिम है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे. इसी तरह क्षेत्र में अन्य भी काफी मांगे हैं जो पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है. जिला मुख्यालय पर पिछले 3 दिन से हो रही बरसात के बाद रविवार को मौसम साफ रहा. लगातार हो रही बारिश से परेशान नागरिकों ने आज हल्की धूप निकलने से राहत महसूस की, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में अब भी पानी पसरा हुआ है. शहर में हो रही लगातार बारिश के बाद आज भी कई वार्डों में पानी निकासी सही नहीं होने से सड़कों पर पानी पसरा है, जिससे बाढ़ वासियों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. वहीं जिला कलेक्ट्रेट के आसपास का क्षेत्र भी पानी की समस्या से त्रस्त है. कलेक्ट्रेट के सामने जहां लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं,
वह स्थान अब एक नदी में तब्दील होता महसूस हो रहा है। यहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिछले कई महीनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी निक्की बाई व रीटा सोनी की समस्या पहले ही कम नहीं थी कि ऊपर से इस बरसाती पानी ने उनकी समस्या को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम धरने पर बैठे ने 9 महीना हो गया, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। अब पानी 4 दिन होगा, इतना पानी आ रहा है, बीच में सामान हमारा डूब रहा है। आप धरने पर बैठे पानी में रहता, हमारे का कहता बीच में बैठो। अब जी मैं पानी में कितना दिन बैठागा, पानी है, सड़क पार कर रहा है, वो कलेक्टर ऑफिस में जान लाग रहा है, वो खुद आपकी नहीं सफाई कर रहा, माने का किधर बैठा देगा। पानी बहुत ज्यादा आ रहा है जी, आज मैंने 9 महीना हो गया बैठी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जंक्शन में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के नीचे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी व सेक्टर नंबर 12 को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया अंडरब्रिज भी एक गहरी नदी में तब्दील हो गया है। बाढ़वासियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद अंडरब्रिज में पूरी तरह से पानी भर गया है। रेल विभाग ने पानी निकासी के लिए जो गड्ढे बनाए थे वे भी पूरी तरह से भर चुके हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का न्योता देने के लिए तैयार हैं। रेलवे ने अंडरपास बनाया है जिसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये रखी है कि उसमें जो पानी निकलने की कोई निकासी नहीं है। उसके बाद मानो ने कहा कि हाँ बोर के लिए पानी खड़ा बनाया था कुआ सा, उस कुआ उसमें लगभग उसकी जो गहराई है कम से कम 15-20 फुट के आसपास है, उस पर कोई डकावा नहीं है। उसमें इतना पानी है कम से कम छोटे बच्चे इसमें सारे खेलते कूदते रहते हैं, उनको क्या इस बारे में क्या नॉलेज है कि इसमें कितना पानी नहीं पानी है। उसमें कम से कम पानी है वो गहराई 5-6 फीट के आसपास पानी गहराई है, और उस जो अंडर पास है दोनों साइड में माने गया कि उन्होंने 3-3-4-4 खड्डे खोद रखे हैं। बाढ़ पार्षद सुरेश कुमार के अनुसार रेलवे ने यहां पर अंडरब्रिज का निर्माण नहीं किया बल्कि बाढ़ वासियों के लिए मौत के कुएं का निर्माण किया है। यहां पर हर रोज बच्चे खेलते रहते हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। हमारे अंडरपास और ये एक तरह का हमारा तो यहां पे बस्ती के लिए एक मौत का कुआ बना दिया। यहां पे ये नहर है, उधर देखो आप 25-30 फुट का कुआ बना रखा है, खुला है, कभी वहाँ पे हादसा हो सकता है। और ये जब तक ये हमारी ये आगे इन्होंने ये बीच में खड्डे खोद रखे हैं ना, तो इसका वो रोड से मिलान करा, आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि पूछो ना। और कल परसों इतने यहाँ बच्चे अपने यहाँ खेल कूद कर रहे थे, उनको क्या पता कितना गहरा पानी है क्या नहीं है। कल को ऐसा हादसा हो गया तो रेल इसमें जिम्मेवार होगी हमारी। वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह ने टाउन के वार्डों में जाकर अतिवृष्टि से लोगों के नुकसान का जायजा लिया। लगातार 3 दिन से हुई भारी बारिश से लोगों का काफी नुकसान हुआ है, सड़कों पर अभी तक पानी भरा हुआ है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह, उपसभापति कालूराम शर्मा, विनोद बलाड़िया, जितेंद्र मित्तल, राजू नागपाल आदि ने टाउन के वार्डों का निरीक्षण कर बारिश से हुए लोगों के नुकसान का जायजा लिया। बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भरा है तो कहीं पर कुछ लोगों के घर गिरे हुए हैं। जसपाल सिंह ने लोगों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिलाया और कहा कि वे जल्द ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। शहर के कई वार्डों का दौरा किया, बरसात होने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और कई नाले टूटे हुए हैं, उनको हम नगर पालिका के लेबल पर उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। और इसका अतिवृष्टि के अंदर हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को बजट भेजेंगे जिससे ऊपर अतिवृष्टि का पैसा मिले। बहुत इस बारिश से इतना नुकसान हुआ है टाउन और जंक्शन में जिसका नगर पालिका अपने स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करेगी और ऊपर से राज्य सरकार में भी पैसा मांगने का प्रयास करेगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। Thank you.
कोहला की ओर से गौ सेवकों को सम्मानित किया गया। समारोह में शिरकत करने पहुंचे महाराज जीवतानंद ने गौ सेवकों को गौ सेवा के महत्व के बारे में बताया। किशनपुरा दिकनादा बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गौ सेवा समिति कोहला ने गौ सेवा करने वालों को सम्मानित किया। इस मौके पर एलनावास से आए हुए जीतवानंद महाराज और सीकर से आए हुए जगदीश महाराज ने प्रवचन दिए, जिसमें गौ सेवा के महत्व के बारे में बताया और कहा कि गौ सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी ग्रंथ हुए हैं उन सब में गाय की महिमा का बखान किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय संसार की माँ है, इसलिए हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। गाय का दूध अमृत समान है जो कई बीमारियों का नाश करता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये सम्मान उन नौजवानों का या उन लोगों का नहीं है जिन्होंने गायों की सेवा की, ये सम्मान गौ माता का है। हमारी भारतीय संस्कृति में वेदों से लेकर के और जितने भी मत पंथ हैं उनके धर्म ग्रंथ हैं या जितने भी संत हुए हैं उन सभी ने गायों की महिमा गाई है। जंक्शन थाना पुलिस ने जोरकिया के पास नहर से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की है। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करवाकर लाश को पहचान के लिए राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में रखवाया है। निकटवर्ती गांव जोरकिया के पास सादुल ब्रांच नहर में अज्ञात व्यक्ति की लाश देखकर नहरी विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक अरोड़ा ने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी। सूचना पाकर जंक्शन थाना से एएसआई दर्शन सिंह मय पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद नहर में पड़ी लाश को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर लाश को पहचान के लिए राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में रखवाया है। थाना से वायरलेस पर सूचना मिली थी कि जोड़किया हेड में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश की सूचना आई है जरिए नहर के जेएन के, जिस पर मैं पुलिस बल के साथ यहाँ जा मौका पर पहुँचा तो यहाँ सादुल ब्रांच की जो मेन हेड है उसके अंदर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पानी में मिली और नहर गहरी होने के कारण पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण हमने तो इतनी गहरी नहर के अंदर से मैंने मेरे पुलिस बल की मदद से ही इस शव को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। इसके पास से एक मोबाइल मिला है, उसकी सिम के आधार पर इसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन में एक स्कूली छात्र के अपहरण की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह गया। इस संबंध में विद्यार्थी के परिजनों ने टाउन थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। टाउन में स्कूल से लौट रहे छात्र का अपहरण करने की कोशिश की गई, प्रयास में विफल होने पर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में सारा मामला संदेहास्पद लग रहा है। ऋत्विक पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी पारिक कॉलोनी का है और विवेकानंदा स्कूल में पढ़ता है। उसने दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद अपने परिवार वालों को बताया कि विद्यालय से घर आते समय रास्ते में कार पर सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आया लेकिन उसका स्कूल बैग उनके पास रह गया। सूचना पाकर एएसआई नारायण सिंह मौके पर पहुंचे तथा मामले की पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार घटना स्थल के आसपास के लोगों से इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली, जिस कारण ये मामला संदेहास्पद लग रहा है। जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो मेरे पीछे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आई और मेरे को एक आदमी आने लगा पीछे और मेरे को कहने लगा कि आजा कार में बैठ जा, तो मैंने भागने लगा तो मेरा उन्होंने बैग झपट लिया और मैं वहां से भाग निकला और वो मेरा बैग ले गए। जिला मुख्यालय पर इन दिनों प्रत्येक कॉलेज में छात्र संघ चुनावों को लेकर गहमा गहमी है। प्रत्येक उम्मीदवार अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। और जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पेशवानी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रविवार को कॉलेज में छुट्टी का दिन होने के कारण पेशवानी ने अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर कॉलेज के अन्य छात्रों से जनसंपर्क किया। वो आने वाले चुनावों में अपना वोट व समर्थन देने की अपील की।
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पेशवानी ने बताया कि विजयी होने पर वे छात्र हितों के लिए कार्य करेंगे, वो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें छात्र हित का पूरा ध्यान रखना है, छात्रों के हित का, और हमारे कॉलेज में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखेंगे हम। हमें वोट दें, समर्थन दें और हमें विजयी बनाएं। सबसे पहले क्या रही, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके कॉलेज में होने बाकी हैं? हमें जी जो कॉलेज में शालीनता से रहना है, जो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रहना है, खेल का है हमारा, गेम्स का हमें नेटबॉल का ग्राउंड करवाना है और क्रिकेट में करवाना है, और लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा हमें प्रोवाइड करवानी है छात्रों को। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रही है समाचार। नमस्कार।